करना है, दैट इज एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यू अपॉन थ्री प्लस एक्स रेस टू फोर अपॉन फोर, इस तरह का एक्सपांशन हमें इस फंक्शन का करना है। तो इस फंक्शन का एक्सपांशन देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या गिवेन, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स रेस टू फोर, इस तरह से क्या गिवेन है हमें, फंक्शन गिवेन है। तो जैसे कि हमें पता है अगर इसे हम लोग लिखना चाहेंगे, अगर हम लोग इसे लिखेंगे तो हम लोग इसे किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज लॉग ऑफ वन प्लस, लेट से अज्यूम करते हैं हम लोग इसे, लेट से वाई अज्यूम कर लेते हैं, लेट से लॉग ऑफ वन प्लस वाई, आप चाहे तो लॉग ऑफ वन प्लस थीटा भी अज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या किया हम लोगों ने, देखिए ये जो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू फोर, ये होल टर्म्स को हम लोग ने क्या अज्यूम किया, वाई। तो इससे क्या मिल गया हमें, लॉग ऑफ वन प्लस वाई। ना हम लोग को ये फॉर्मूला पता है, डेट इज हम लोग ने एक्सपांशन ऑफ फंक्शन में देखा था। देखिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये कौन सा फॉर्मूला आपका, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स, दैट इज़ क्या होता है फॉर्मूला, एक्स इसका एक्सपेंशन क्या होता है, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स का, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यू अपॉन थ्री माइनस एक्स रेस टू फोर अपॉन फोर, इस तरह से आपका ये फंक्शन क्या होता है, रिपीट होता रहता है, राइट है। जैसे कि हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में इसे डिटेल में देखा था और प्रूफ भी किया था, सेम हम लोग ने क्या किया, इसी तरह से इस एक्सपांशन को लिख लिया। नाउ इसके लिए हम लोग ने एक्सपांशन किया था, इसका एक्सपांशन क्या होता है, दैट इज़ हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस एक्सपांशन को यहाँ पर लिख लेते, दैट इज़ क्या होगा यहाँ पर वाई, राइट है वाई, माइनस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन टू, प्लस क्या होगा आपका वाई क्यू अपॉन थ्री, फिर से क्या होगा आपका माइनस वाई रेस टू फोर अपॉन क्या हो जाएगा फोर, इस तरह से क्या होगा फंक्शन आपका रिपीट होते रहेगा, वाई रेस टू फाइव अपॉन फाइव, नाउ दिस इज एंड सो ऑन। इस तरह से हमें क्या है, ये लॉग ऑफ वन प्लस वाई का एक्सपांशन हमें क्या पता है, वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस वाई क्यू अपॉन थ्री माइनस वाई रेस टू फोर अपॉन फोर प्लस वाई रेस टू फाइव अपॉन फाइव, इस तरह से क्या होता है, ये फंक्शन आपका रिपीट होता रहता है। नाउ क्या करना है, देखिए हमें इसका वैल्यू लॉग ऑफ वन प्लस वाई का वैल्यू हमें ये मिल गया, राइट है, बट वाई का वैल्यू क्या है, ये वाई का वैल्यू क्या है, ये वाई का वैल्यू हमें मालूम है, दैट इज ये वाला वैल्यू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स रेस्टी फोर। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इस वाई की जगह पे इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे एंड देन आगे क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो वाई की जहाँ जहाँ वाई रहेगा आपको क्या करना है, ये वाला जो भी आपका फंक्शन, ये वेरिएबल गिवन है एक्स, यहाँ पर हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, क्या गिवन है वाई की जगह पे हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट इज एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या है एक्स क्यू प्लस एक्स रेस टू फोर, राइट है, वाई की जगह पे ये हम लोग ने यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया। सिमिलरली यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, माइनस वन अपॉइंट टू, माइनस वन अपॉइंट टू हम लोग ने कॉमन ले लिया एंड वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह पे सेम वाई की जगह पे हम लोग ये फंक्शन जो भी वेरिएबल आपको गिवन है एक्स का वैल्यू यहाँ पर हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ से देखिएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स रेस टू फोर, बट यहाँ पर क्या स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। सिमिलरली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस क्या आपका वन अपॉइंट थ्री, वन अपॉइंट थ्री इंटू क्या है आपका वाई क्यू, तो वाई का वैल्यू क्या अज्यूम किया हम लोग ने, ये वैल्यू, तो यहाँ पर ये फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, राइट है, एक्स क्यू प्लस एक्स रेस टू फोर। सिमिलरली यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस वन अपॉइंट फोर, तो माइनस वन अपॉइंट फोर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेम वैल्यू है वाई, वाई रेस टू फोर है, तो वाई का वैल्यू क्या गिवन है हमें, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस क्या हो जाएगा एक्स रेस टू फोर, रेस टू पावर क्या हो जाएगा आपका फोर हो जाएगा, प्लस क्या होगा आपका, इस तरह से ये फंक्शन रिपीट होता रहेगा, राइट है। हम लोग पूरा फंक्शन नहीं लेंगे, खाली यहीं तक अज्यूम किया, दैट इज़ वाई रेस टू फोर अपॉन फोर, क्यों, क्योंकि हमें पता है एक्स रेस टू फोर अपॉन फोर तक हमें एक्सपांशन को प्रूव करना है, इसलिए हम लोग ने क्या किया, रेस टू पावर फोर तक ही हम लोग ने अज्यूम किया, इसके आगे एंड सो ऑन कर दिया। नाउ देखिए अभी क्या करना है आपको, आपको भी सेम इसी तरह से क्वेश्चन आपको इसी तरह से पूछा जाता है एग्जाम में। नाउ हम लोग देखें कैसे करते हैं, हम लोग को टेक्निक पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर एक बार आपको ये समझ में आ गया तो आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिल जाएगा, मैक्लॉरिन सीरीज से रिलेटेड, तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ यहाँ पर देखिए सिंपल क्या करना है हमें, इसका आप सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या, देखिए यहाँ पर ये तो आपका वेरिएबल है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेम, राइट है, यहाँ पर देखोगे आपको स्क्वायर गिवेन है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका क्यूब है, क्योंकि देखिए यहाँ पर वाई क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर रेस टू फोर है। नाउ हमें क्या पता होना चाहिए, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज किसका, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर किसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस बी द होल क्यू। सिमिलरली यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, ए प्लस बी रेस टू फोर। बट आपको यहाँ पर देखोगे कि हमें एक्स रेस टू फोर तक ही ले जाना है, तो हम लोगों को ए प्लस बी रेस टू फोर यहाँ पर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ कि इसे हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। यहाँ पर तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका फंक्शन जो भी वेरिएबल हम लोगों ने सेम इसी तरह से लिख दिया, बट यहाँ
यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि हम लोग करेंगे कैसे। यहाँ पर करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का मिस्टेक क्या होता है, यहीं पर होता है, वो स्क्वायर बराबर नहीं कर पाते, तो आपको स्क्वायर करना आना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर लेट से हम लोग इसे अज्यूम करते ए। मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम में इस तरह से नहीं लिखना है, मैं आपको खाली सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इस तरह से आपको करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या है लेट से डी, लेट से। तो यहाँ पर आपको पता चल गया ये क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी द होल स्क्वायर। तो इसके लिए हमें फार्मूला पता है, दैट इज़ फार्मूला क्या होता है, अगर आप देखोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर, राइट है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर सिमिलरली देखोगे, यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे ए प्लस बी द होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी क्या हो जाएगा आपका एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा टू इंटू एक्स क्यूब, प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स रेस टू फोर। बट एक बात और याद रखोगे, जब भी आप ए सी इसमें और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, एक्स रेस टू फोर। तो मतलब इससे आपको क्या समझ में आया कि हमें किसका वैल्यू लेना है, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है। आई होप कि आपको समझ में आया, क्या मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि यहाँ पर हमें एक्स रेस टू फोर तक का टर्म्स चाहिए, राइट है। तो एक्स रेस टू फोर अगर आप ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर करोगे, लेट से मैं कर देता हूँ यहाँ पर ए, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा टू ए बी, टू ए बी क्या हो जाएगा टू इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज हो जाएगा एक्स क्यू, प्लस क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या आपका एक्स रेस टू फोर। नाउ अगर आप इस तरह से करोगे तो आपका आंसर जो आपको फंक्शन प्रूफ करना है, जिसका एक्सपांशन आपको इस टर्म्स में लाना, आपका एक्सपांशन रॉन्ग आएगा। क्यों आएगा रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर देखोगे यहाँ पर एक्स क्यूब है, अगर आप ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला यूज़ करोगे तब आपका एक्सपांशन करेक्ट आएगा। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेम ए स्क्वायर होता है प्लस क्या होता है आपका टू ए बी होता है प्लस क्या होता है टू बी सी होता है। तो यहाँ पर देखोगे टू ए बी क्या हो जाएगा आपका, राइट है, टू एक्स क्यूब इंटू टू बी सी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू फाइव, दैट इज़ टू एक्स रेस टू फाइव, जो कि हमें एक्स रेस टू फोर तक ही चाहिए, तो हम लोग उसे इग्नोर कर देंगे। नाउ हमें क्या मिलेगा, टू ए सी, तो टू ए सी क्या मिल जाएगा, दैट इज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स सॉरी एक्स क्यू, तो एक्स इंटू एक्स क्यू क्या हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा टू इंटू एक्स रेस टू फोर। आई होप कि आपको ये समझ में आया, टू इंटू ए सी। अब सिमिलरली अगर आप चाहोगे, आप बोलोगे बी स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम लोग ने लिख लिया, अगर आप लेट से सी स्क्वायर करोगे तो एक्स रेस टू थ्री द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू सिक्स, जो कि एक्स रेस टू फोर के एबव है, एक्स रेस टू फोर के एबव है तो हम लोग उसे इग्नोर कर देंगे। तो इस तरह से ये फंक्शन हमारा इस तरह से यहाँ तक आ जाएगा। आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आया, मैंने आपको समझाने के लिए खाली ये आपको डिटेल में किया, राइट है। नाउ सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग सेम वन अपॉन थ्री का, यहाँ पर भी सेम इसी तरह से करेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसे ए अज्यूम करेंगे, इसे बी, तो ए प्लस बी द होल क्यूब क्या हो जाएगा फॉर्मूला, दैट इज एक्स क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, थ्री ए स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, थ्री ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स रेस टू फोर, राइट है, थ्री ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, थ्री एक्स रेस टू फोर। आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आया। नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा, थ्री एक्स रेस टू फोर प्लस क्या होगा, थ्री इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, थ्री ए बी स्क्वायर, ए क्या आपका एक्स, एक्स स्क्वायर क्या होगा एक्स रेस टू फोर, एक्स रेस टू फोर इंटू एक्स क्या होगा एक्स रेस टू फाइव, बट हमें एक्स रेस टू फाइव का टर्म्स नहीं चाहिए क्योंकि हमें एक्स रेस टू फोर तक ही एक्सपांशन करना है, तो हम लोग इसे इग्नोर करेंगे, यानी इस तरह से इस फंक्शन का एक्सपांशन यहीं तक करेंगे, इसका ए रेस टू ए प्लस बी द होल क्यू का हम लोग इसी तरह से करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया। सिमिलरली यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस अपॉन वन अपॉन फोर, वन अपॉन फोर का अगर यहाँ पर देखिए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स रेस टू फोर द होल रेस टू फोर है, राइट है। अब ना इसका अगर आपको होल रेस टू फोर करना है तो आप लोग सिंपली क्या करोगे, एक्स रेस टू फोर करोगे एन प्लस एन सो वन, इस तरह से आप कर सकते हो। क्यों, क्योंकि हमें एक्स रेस टू फोर तक ही एक्सपेंशन प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक्स रेस टू फोर करके इनसो। अगर आप इसका करना भी चाहोगे, लेट से अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे ए प्लस बी रेस टू फोर करके दिखाओ, तो आप क्या कर सकते हो, लेट से मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ ए प्लस बी रेस टू फोर, राइट है, ये फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, ए रेस टू फोर प्लस ए रेस टू फोर हो गया, राइट है, प्लस क्या होगा यहाँ पर, जैसे कि हम लोग ने ए प्लस बी क्यू किया, ए प्लस बी क्यू का फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज़ क्या होता है ए प्लस बी क्यू क्या होता है ए क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये फार्मूला हम लोग ने यहाँ पर यूज़ किया, राइट है। अगर आप ए प्लस बी रेस टू फोर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए ए रेस टू फोर
प्लस क्या हो जाएगा आपका 4ab। अब लेट से अगर आप 4ab यहाँ पर करोगे, कहाँ गया ये फंक्शन, इसमें अगर आप 4a³ क्या हो जाएगा x³ इंटू x² तो क्या हो जाएगा x^5, जो कि x^4 से एक्सीट है, इसलिए हम लोग उसे क्या करेंगे इग्नोर, इसलिए हम लोग ने क्या किया x^4 लिख के छोड़ दिया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। ना हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट काम सिंपली क्या करेंगे, हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके आगे का आंसर ला देंगे। नाउ देखिए यहाँ पर जो भी आपको x का टर्म्स दिख रहा है, x² का टर्म्स दिख रहा है, x³ का टर्म्स दिख रहा है, उसे हम लोग सिंपली क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पर x खाली एक ही जगह है तो x यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर देखिए x² जहाँ जहाँ रहेगा हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से x² कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ से अगर आप कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा -1/2। अब देखिए आगे कोई भी आपका x² का टर्म्स नहीं है तो सिंपली क्या हो जाएगा इस तरह से मिल जाएगा। सिमिलरली देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x³ क्या हो जाएगा, देखिए x³ कॉमन लिया तो यहाँ पे मिल जाएगा 1। सिमिलरली अगर यहाँ पर देखोगे तो x³ क्या आपका 2 है, बट यहाँ पर देखोगे 2 यहाँ पे 2 गेट, अगर ये 2 अंदर 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 गेट कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 1-1। प्लस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर देखिए और कोई नहीं, यहाँ पर है 1/3 इंटू x³, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1/3। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। नाउ सिमिलरली क्या हो जाएगा x^4 कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो x^4 कॉमन लिया तो यहाँ से हो जाएगा 1, और यहाँ पर देखोगे यहाँ पर x^4 क्या है यहाँ पर 1+2, तो यहाँ से अगर आप अंदर इसे मल्टीप्लाई करोगे, लेट्स से कि अगर इसे आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिल जाएगा यहाँ से 1 मिल जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका 1/2। क्यों देखिए यहाँ पर 1/2 क्या -1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -1/2, अरे 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 गेट कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, राइट है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। नाउ यहाँ पर देखिए थर्ड टर्म्स क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर देखिए x^4 का टर्म्स यहाँ पर भी है, 3 विल गेट कैंसल, 3 कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा दैट इज़ अ +1। नाउ यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया हमारा 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा -1/4, राइट है -1/4। नाउ यहाँ पर देखिए हम लोग ने क्या किया, यहाँ से x^4 कॉमन ले तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ये अंदर -1/2 यहाँ पर जाएगा तो -1/2, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर ये -1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक -1 यहाँ पर आएगा, राइट है। क्यों आए देखिए, क्योंकि अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 विल गेट कैंसिल और -1 यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली ये आपका हो गया x^4 का टर्म, जो कि हम लोग ने इसे कॉमन लेकर रख लिया। अब नाउ इसे देखिए हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं, जो हमें प्रूफ करना था वो यहाँ से हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा देखिए, x प्लस क्या हो जाएगा x², ये 2 -1 क्या हो जाएगा 2 1/2 दैट इज x² / 2। सिमिलरली क्या हो जाएगा यहाँ से x³ यहाँ से 1-1 विल गेट कैंसिल, यहाँ पे मिलेगा 1/3। सिमिलरली यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा x^4, यहाँ पर देखिए क्या है 1+ ये 1 ये -1 विल गेट कैंसिल, यहाँ से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1/2 और यहाँ से हो जाएगा -1/4, राइट है। ये क्या देखिए यहाँ पर ये 2-1 दैट इज 1/2 और ये 1 विल गेट कैंसिल, यहाँ से -1/4। नाउ इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा, x प्लस x² / 2 प्लस x³/3 प्लस क्या हो जाएगा देखिए 4-2 क्या हो जाएगा दैट इज यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर -2, यहाँ से मिल जाएगा हमें 2x^4/8 इस तरह से हमें मिल जाएगा एंड सो ऑन इस तरह से। बट हमें देखिए यहाँ पर प्रूफ क्या करना था, इस तरह से x प्लस x² / 2 प्लस x³/3 प्लस x^4/4, तो यहाँ पर देखिए 2/8x^4 है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे 2 1 2 2 4 8, तो हम लोग इसे इस तरह से लिख देंगे, तो जो हमें प्रूफ करना था सेम यहाँ पर हमें मिल जाएगा, दैट इज x² / 2 प्लस क्या है x³/3 प्लस x^4/4 प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से आपका ये फंक्शन का एक्सपांशन इस तरह से आप कर सकते हो। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, खाली आपको करना क्या था कि देखिए यहाँ पर 1+ इस टर्म्स को हम लोग ने y क्यों अज्यूम किया, क्योंकि हमें एक्सपांशन ऑफ फंक्शन लॉग ऑफ 1+y का एक्सपांशन हमें मालूम है, तो ये क्या होता है ये इस तरह का एक्सपांशन होता है। नाउ हम लोग ने क्या किया, वाई की जगह पर जो भी हम लोग ने अज्यूम किया था यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, एंड सब्स्टिट्यूट करके क्या किया यहाँ पर फार्मूला यूज़ किया a+b² एंड a+b³, इस तरह से
फॉर्मूला यूज़ करके इसे सिंप्लीफाई किया। जो भी एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स रेस टू फोर कॉमन हो रहा था, कॉमन लेकर इसे हम लोग ने सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिल गया, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यू अपॉन थ्री प्लस एक्स रेस टू फोर अपॉन फोर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर वन समझ में आया होगा। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटेड टू द मैकलोरिन सीरीज। नाउ हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू द मैकलोरिन सीरीज। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड एक्सपेंशन ऑफ लॉग ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अप टू एक्स रेस टू 4। यहाँ पर देखिए इसका एक्सपेंशन फाइंड करना, किसका, लॉग ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अप टू एक्स रेस टू 5। देखिए यहाँ पर एक्स रेस टू 5 तक आपको एक्सपेंशन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर हम लोग सिंपल सा कोई भी एक्सपेंशन का फॉर्मूला हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें इस तरह का एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन हम लोग ने देखा नहीं था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इस फंक्शन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, दैट इज लॉग ऑफ क्या गिवन है हमें, टेन ऑफ पाई बाय फोर प्लस एक्स, राइट है, ये हमें क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है। नाउ इसे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लॉग गिवन है, यहाँ पर टेन गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे इसे ध्यान से देखेंगे। इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे। हमें फार्मूला पता है, किसका फार्मूला पता है, टेन ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेन ए प्लस टेन बी का फार्मूला यूज़ करेंगे, सॉरी टेन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला यूज़ करेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, दैट इज़ अ टेन पाई बाय फोर प्लस क्या होता है, टेन एक्स डिवाइडेड बाई क्या होता है, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो टेन ए क्या हो जाएगा, ए आपका है टेन पाई बाय फोर इंटू टेन बी क्या होता है आपका, टेन ऑफ एक्स। आई होप कि आपको ये फार्मूला पता है, क्या होता है टेन ए प्लस बी का फार्मूला, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ए क्या आपका पाई बाई फोर एंड बी क्या आपका एक्स, राइट है यहाँ तक। ना अब देखिए इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, लॉग ऑफ टेन पाई बाई फोर का वैल्यू क्या होता है, टेन फोर्टी फाइव का वैल्यू क्या होता है, दैट इज वन होता है, वन प्लस क्या हो जाएगा आपका टेन एक्स डिवाइडेड बाय सिमिलरली वन माइनस टेन फोर्टी फाइव का वैल्यू वन हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा टेन एक्स। तो इस तरह से ये क्या मिल जाएगा हमें, फंक्शन का, इस एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन को हम लोग ने इस तरह से सिंप्लीफाई किया। सिंपल किया, क्या किया हम लोग ने, सबसे पहले टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करके इसे सिंप्लीफाई किया, इस टर्म्स में लिखा। नाउ हमें इस टर्म्स में मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लॉग है, लॉग ऑफ क्या गिवन है, ए अपॉन बी। तो हमें प्रॉपर्टीज़ पता है, लॉग ऑफ का प्रॉपर्टी क्या होता है, लॉग ऑफ ए बाई बी रहेगा। तो हम लोग इसे किस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम लोग किस तरह से लिखेंगे, दैट इज़ अ लॉग ऑफ वन प्लस टेन एक्स माइनस लॉग ऑफ वन माइनस टेन एक्स। जैसे कि हमें प्रॉपर्टीज़ पता है, लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लॉग ऑफ ए बाय बी अगर आपका कुछ रहेगा, अगर लॉग ए बाय बी रहेगा, तो हम लोग इसे किस तरह से लिखते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी। इस सिमिलरली यहाँ पर क्या था, वन प्लस टेन एक्स अपन वन माइनस टेन एक्स, तो हम लोग ने क्या किया, लॉग ऑफ वन प्लस टेन एक्स माइनस ऑफ लॉग ऑफ वन माइनस टेन एक्स। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो सिंपली हम लोग जैसे भी अभी क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व किए, सेम यहाँ पर सेम क्वेश्चन इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, आगे भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी देखोगे आपको क्या मिल गया, यहाँ पर लॉग ऑफ वन प्लस टेन एक्स माइनस लॉग ऑफ वन माइनस टेन एक्स। खाली यहाँ पर एक बात याद रखना कि इसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे देन इसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। एंड देन सॉल्व करके क्या करना पड़ेगा, माइनस यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके जो भी हमें एक्सपेंशन करना है उस तरह से हमें एक्सपेंशन मिल जाएगा, राइट है। नाउ हम लोग इससे सबसे पहले इस फंक्शन को एक्सपेंशन करते हैं, दैट इज़ क्या, लॉग ऑफ वन प्लस टेन एक्स। तो नाउ लॉग ऑफ वन प्लस टेन एक्स, राइट है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है इससे रिलेटेड कि ये समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लेकर जा रहा हूँ जिससे कि आपकी कुछ भी डाउट ना हो, फिर भी कुछ होता है आपको डाउट तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नाउ यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, हमें लॉग ऑफ वन प्लस टेन एक्स गिवन है, तो हमें पता है फॉर्मूला एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन हम लोगों ने देखा था वहाँ पर लॉग ऑफ वन प्लस एक्स का। अभी सेम क्वेश्चन नंबर वन जैसे था, सेम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू भी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। लॉग ऑफ वन प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या था, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर था, राइट है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, दैट इज क्या है आपका, टेन एक्स माइनस टेन एक्स द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस क्या हो जाएगा, टेन एक्स द होल क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री माइनस क्या हो जाएगा, टेन एक्स रेस टू फोर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, फोर प्लस क्या हो जाएगा, टेन एक्स रेस टू क्या हो जाएगा आपका, फाइव डिवाइडेड बाई फाइव।
जैसे कि हमें पता है लॉग ऑफ वन प्लस एक्स का फॉर्म एक्सपांसन क्या होता है, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स का एक्सपांसन क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स की अपॉन थ्री माइनस एक्स रेस टू फोर अपॉन फोर प्लस एक्स रेस टू फाइव अपॉन फाइव एंड सो ऑन। सेम हम लोग ने क्या किया, इस तरह से लॉग ऑफ वन प्लस टेन एक्स था तो हम लोग ने इस तरह से इस एक्सपांसन को लिख लिया, राइट है, माइनस एंड सो ऑन। नाउ अब देखिए अभी से हम लोग क्या करेंगे, आगे सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एक और फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा, और वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला हमें पता है जैसे कि टेन थीटा का एक्सपांसन क्या होता है। हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में देखा था टेन थीटा, राइट है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे इसका एक्सपांसन करने के लिए हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए, दैट इज़ टेन थीटा। तो टेन थीटा का एक्सपांसन क्या होता है, सेम यहाँ पर हम लोग इसे यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर टेन एक्स है तो टेन एक्स के लिए क्या लिखेंगे, एक्स माइनस क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यू, एक्स क्या होता है आपका एक्स प्लस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई थ्री प्लस टू एक्स रेस टू फाइव अपॉन फिफ्टीन। अभी ये याद रखना ये क्या होता है, टेन एक्स का वैल्यू होता है, टेन एक्स का एक्सपांसन। रुक जाओ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक्चुअल में टेन एक्स का एक्सपांसन हम लोगों ने क्या किया था इसके पहले लेक्चर में, एक मिनट यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए क्या आपका टेन एक्स का वैल्यू, टेन एक्स का एक्सपांसन हमें क्या मिला था, एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन थ्री प्लस टू अपॉन फिफ्टीन इंटू एक्स रेस टू फाइव। सेम हम लोग ने क्या किया यहाँ पर टेन एक्स की जगह पे इस तरह से इसे एक्सपांसन को लिख दिया, राइट है। ये आपको इसलिए मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में भी बोला था कि आपको ये एक्सपांसन याद होना चाहिए क्योंकि हम लोग आगे यूज़ करेंगे। तो सेम यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको हर एक क्वेश्चन में इसी तरह से आपको यूज़ करना है। तो नाउ यहाँ पर देखिए टेन एक्स द होल स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे, दैट इज एक्स प्लस एक्स की ओपन थ्री। अब देखिए 2 बाई फिफ्टीन एक्स रेस टू फाइव, हमें क्या करना है, अप टू एक्स रेस टू फाइव तक ही एक्सपांसन करना है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ अगर आप यहाँ पर ये यह लिख भी देते हो क्योंकि हमें स्क्वायर करना है, अगर इसका आप स्क्वायर करोगे तो 10 टाइम्स हो जाएगा जो कि हमको ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इसे अवॉइड कर देंगे। तो इसे अवॉइड करके इस तरह से हम लोग लिख देंगे, दैट इज होल स्क्वायर। सिमिलरली क्या हो जाएगा यहाँ पर, वन अपॉन थ्री एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यू अपॉन थ्री। सिमिलरली हम लोग फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स रेस टू फाइव का टर्म्स हम लोग नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हम लोग अगर इसका क्यूब करेंगे स्क्वायर करेंगे तो एक्स रेस टू फाइव से ज़्यादा होगा, बट हमें क्या करना है एक्सपांसन एक्स रेस टू फाइव तक ही करना है, इसलिए हम लोग ने खाली इतना ही टर्म्स को लिखा, दैट इज एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन थ्री। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वन अपॉन फोर, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस क्या है आपका एक्स क्यू अपॉन थ्री, राइट है, एक्स क्यू अपॉन थ्री द होल रेस टू फोर, राइट है। नाउ लास्ट टर्म्स क्या गिवन है यहाँ पर, प्लस वन अपॉन फाइव, यहाँ पर क्या करेंगे एक्स प्लस एंड सो ऑन रेस टू फाइव। क्यों यहाँ पर एक्स क्यू क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर आप एक्स क्यू लोगे तो यहाँ पर अगर आप एक्स क्यू का होल रेस टू फाइव करोगे तो एक्स रेस टू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, राइट है। इसलिए हम लोग ने क्या किया, एक्स क्यू को यहाँ पर रिमूव कर दिया, दैट इज अवॉइड कर दिया। तो हमें देखिए इस तरह से एक्सपांसन मिल गया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा, हमें एक्सपांसन इसी तरह से याद रखना, आपको इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें खाली अगर आप प्रैक्टिस करोगे इस तरह से तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ तक एक्सपांसन करना है और कहाँ तक हमें नहीं करना है। हम लोग ने देखिए यहाँ पर 2x रेस टू 5 को नहीं लिया, क्यों नहीं लिया आपको समझ में आया, यहाँ पर भी नहीं लिया, यहाँ पर भी नहीं, क्योंकि अगर आप स्क्वायर करोगे हमें x रेस टू 5 तक ही चाहिए तो हमको x रेस टू 5 के आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट है। तो ना हम देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए एक्स का टर्म्स यहाँ पर है, मैं यहाँ पर पूरा फिर से आपको एक बार लिख देता हूँ, एक्स क्यू अपॉन थ्री प्लस टू एक्स रेस टू 5 अपॉन 15। नाउ यहाँ पर देखिए इसका क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो 1 अपॉन टू क्या आपका सेम है, तो 1 अपॉन टू कॉमन ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसका स्क्वायर कीजिए a प्लस बी द होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर इज नथिंग बट एस स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 2 एक्स ए बी, दैट इज एक्स रेस टू 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस क्या होगा यहाँ पर बी क्यू, बट यहाँ पर देखिए एक्स रेस टू 3 का क्यूब b स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 3 2 6 जो कि हमको चाहिए नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे इस तरह से इस फंक्शन को लिख देंगे। सिमिलरली देखिए यहाँ पर हमें क्यूब करना है, यहाँ पर क्यूब करेंगे कैसे, ए क्यूब क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, सेम यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ए क्यूब प्लस 3a² b, तो 3a² देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू बी क्या हो जाएगा एक्स रेस टू 3, दैट इज क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स रेस टू 5। देखिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 3 क्या हो जाएगा a² क्या आपका एक्स स्क्वायर इंटू बी 3a² b क्या आपका एक्स क्यू अपॉन थ्री, राइट है। यहाँ पर ये हो गया आपका 3a² इंटू बी, सिमिलरली क्या होगा 3 इंटू ए इंटू बी क्यू, राइट है, 3ab²
तो क्या हो जाएगा, 3ab² 3 into a क्या होगा आपका x into b square क्या हो जाएगा x raised to 6, जो कि हमको नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ से हमको इस तरह से ये मिल गया, राइट है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर 1 raised to 4 करोगे, क्योंकि हमें पता है x plus x की upon 3 raised to 4, तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसे, दैट इज़ क्या गिवन है, -1/4, यहाँ से हो जाएगा x raised to 4 प्लस क्या हो जाएगा 4 into a³, फोर लेट से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 into a³, ए क्यू क्या हो जाएगा x³ into b, बी क्या आपका x³ upon 3, जो कि हमें नहीं चाहिए। देखोगे यहाँ पर 6 हो जाएगा x raised to 6, बट हमें एक्सपांसन x raised to 5 तक ही करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसे इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इसे लेट से कि हम लोग कैंसिल कर देंगे, आगे यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें एक्सपांसन x raised to 5 तक ही करना है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/5 इंटू क्या हो जाएगा x raised to 5 प्लस एन सो वन। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। ना हमें अगर एक बार ये मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे आगे, सिंपली क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे एंड सिंप्लीफाई करके लॉग ऑफ 1 plus 10x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसे किस तरह से करेंगे सिंप्लीफाई, जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, सेम यहाँ पर भी सेम इसी तरह से हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या x³ upon 3, यहाँ पर सबसे पहले क्या x स्क्वायर का टर्म्स जितना भी हम लोग क्या करेंगे उसे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -x² upon 2, यहाँ पर सिर्फ x² by 2 एक ही था, तो हम लोग ने यहाँ पर कॉमन ले लिया। सिमिलरली यहाँ पर देखिए x³ कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे x³ कॉमन ले रहे हैं, x³ कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/3 यहाँ पर मिल गया। देखिए यहाँ पर x³ है क्या, नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दैट इज़ +1/3, और भी है क्या, नहीं है, क्योंकि देखिए ये raised to 5 है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पर है क्या, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इसे इस तरह से ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर देखिए x raised to 4 का टर्म्स देखिए यहाँ पर है, तो हम लोग सबसे पहले x raised to 4 लिखेंगे, और जो भी x raised to 4 का है उसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा x raised to 4 का टर्म्स, दैट इज़ ये हो जाएगा 2/3 x raised to 4 का टर्म्स, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर 2/3 इंटू क्या अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस देखिए यहाँ पर माइनस का टर्म्स है, तो यहाँ पर -2/3 होगा इंटू क्या होगा 1/2, क्योंकि ये भी अंदर 1/2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये x raised to 5 का, इसे हम लोग नहीं लेंगे, यहाँ पर इसे लेंगे, इसे क्या हो जाएगा यहाँ पर -1/4, ये इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पर x raised to 5 का टर्म्स है, जो कि हम लोग अब आगे लेंगे, यहाँ पर x raised to 5 का टर्म्स हम लोग अभी यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमें 2/15, तो 2/15 कॉमन ले लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 3 विल गेट कैंसल, तो यहाँ पर अगर ये 1/3 मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ये 1/3 हमें यहाँ से मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए कोई है क्या x raised to 5 का टर्म्स, नहीं, ये x raised to 6 है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे इग्नोर कर देंगे। यहाँ पर देखिए 1/5 है, तो यहाँ पर सिमिलरली हम लोग क्या लिख देंगे 1/5। आई होप कि आपको ये समझ में आया, कुछ तो ऐसा कुछ छूट नहीं रहा है, सब हम लोग ने ले लिया है। अब देखते हैं आगे सिंप्लीफाई करते हैं कि इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमें। तो देखिए ये क्या है, एक इसका वैल्यू हमें लॉग ऑफ 1 plus 10x का, तो लॉग ऑफ 1 plus 10x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए लॉग ऑफ 1 plus 10x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा यहाँ से, ये क्या हमें x गिवन है, x माइनस क्या हो जाएगा x² upon 2। सिमिलरली देखिए ये क्या, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2/3 इंटू क्या हो जाएगा x³। सिमिलरली यहाँ पर देखिए x raised to 4 का टर्म्स है, क्या है -2/3 इंटू, देखिए ये 2, दिस 2 विल गेट कैंसल, यहाँ पर क्या मिलेगा -1/3 -4/3, तो माइनस हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस, 4 plus 3 क्या हो जाएगा 7, 4 3 12, तो यहाँ से हो जाएगा 7/12 इंटू x raised to 4। सिमिलरली यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 1/5, तो हम लोग क्या करते हैं इसे डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं, तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, दैट इज यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ से 3 से, तो यहाँ से हो जाएगा 2 plus 5 कितना हो जाएगा 7, 7 plus 3 दैट इज 10, 10/15 इज नथिंग बट 2/3 इंटू x raised to 5 एन प्लस एन सो वन। इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, लॉग ऑफ 1 plus 10x का वैल्यू मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आएगा, बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, हमें आगे भी सॉल्व करना है। क्या करना है, हमें अभी तक क्या मिला लॉग ऑफ 1 plus 10x का वैल्यू, इसका वैल्यू हमें मिला, दैट इज इसका वैल्यू क्या मिला हमें, ध्यान से देखिएगा इस फंक्शन का एक्सपांसन को क्या मिला है, देखिए x - x² upon 2
प्लस 2/3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 7/12 इंटू एक्स रेस टू 4 प्लस 2/3 इंटू एक्स रेस टू 5। इस तरह से हमें इसका एक्सपांसन मिला है। बट हमें क्या करना है, लॉग ऑफ 1 माइनस टेन एक्स का भी एक्सपांसन लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एक्सपांसन नहीं करेंगे। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर क्या था देखिए, 1 प्लस टेन एक्स था, यहाँ पर क्या 1 माइनस टेन एक्स, राइट है। जैसे हम लोग ने देखिए यहाँ पर लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का वैल्यू देखा था, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या देखा था हम लोग। देखिए यहाँ पर लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्या था, क्या मिला था हमें, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस एक्स रेस टू 4 अपॉन 4 प्लस एक्स रेस टू 5/5, राइट है। इस तरह से हमें मिला था। तो अगर आपको लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स निकालना है तो क्या करोगे आप, x की जगह पे माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करोगे। तो लेट से कि अगर आप यहाँ पर लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स फाइंड करना चाहते हो तो आप क्या कीजिएगा, x की जगह पे माइनस एक्स, यहाँ पर अगर आप माइनस एक्स रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। सिमिलरली इस x की जगह पे माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स द होल स्क्वायर, दैट इज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। सिमिलरली यहाँ पर माइनस एक्स रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर एक्स माइनस रखोगे तो माइनस रेस टू 4 क्या होगा, प्लस होगा, जो कि सेम रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया कि लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स का वैल्यू ऑल आर निगेटिव साइन। तो यहाँ पर अगर आप सेम यहाँ पर देखो क्वेश्चन में, अगर आप यहाँ पर लॉग ऑफ 1 माइनस टेन एक्स फाइंड करना चाहते हो तो सिंपली क्या करोगे, इस इक्वेशन में दैट इज़ 1 प्लस टेन एक्स की जगह पे अगर आपको लॉग ऑफ 1 माइनस टेन एक्स लिखना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ लॉग ऑफ 1 माइनस टेन एक्स, जिससे कि आपको डाउट ना रहे कुछ भी चीज़ का, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर प्लस टेन एक्स, अगर एक्स की जगह पे अगर आप माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करोगे, एक्स की जगह पे माइनस एक्स, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस साइन में, तो ऑल आर निगेटिव साइन। तो निगेटिव साइन मतलब कि क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका सेम रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, नीचे क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ 2/3। आप चाहे तो इस तरह से भी समझ सकते हो, अगर प्लस टेन एक्स है तो यहाँ पर क्या मिला हमें, इस तरह से फंक्शन मिला। अगर यहाँ पर माइनस टेन एक्स होगा तो एक्स की जगह पे अगर आप माइनस सब्सटीट्यूट करोगे माइनस टेन एक्स, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर माइनस सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, सेम प्लस साइन हो जाएगा, दैट इज माइनस होगा। यहाँ पर अगर आप माइनस टेन एक्स सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, माइनस 2/3 इंटू एक्स क्यूब। सिमिलरली यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइनस 7/12 इंटू एक्स रेस टू 4 की जगह पे माइनस टेन एक्स, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर एक्स रेस टू 4, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर अगर एक्स की जगह पे माइनस सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या मिल जाएगा, दैट इज माइनस रेस टू 4 क्या हो जाएगा, सेम प्लस होगा, तो यहाँ पर सेम रहेगा, दैट इज इस तरह से। सिमिलरली यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, 2/3 इंटू क्या मिलेगा, एक्स रेस टू 5, एक्स रेस टू 5 इज नथिंग बट माइनस एक्स रेस टू 5, तो माइनस क्या होता है आपका, दैट इज ए माइनस का माइनस 1/5 का माइनस होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 माइनस 2/3 इंटू एक्स रेस टू 5 प्लस माइनस सेंस 1। अगर आप इसे माइनस सब्सिट्यूट कर दिया जाएगा तो आपका माइनस साइन सेम इस तरह से रिपीट होता जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने एक्सपांसन ऑफ फंक्शन देखा था लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स का। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, लॉग ऑफ 1 प्लस टेन एक्स का वैल्यू मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया, लॉग ऑफ 1 माइनस टेन एक्स का वैल्यू मिल गया। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हो सिमिलरली लॉग ऑफ 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू दिस, राइट है। आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको समझा दिया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लॉग ऑफ 1 प्लस टेन एक्स फाइंड करना है एंड लॉग ऑफ 1 माइनस टेन एक्स करना है, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए लॉग ऑफ 1 प्लस टेन एक्स का वैल्यू हमें मिला, लेट से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट से दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब नाउ हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को 1 एंड 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ और सब्ट्रैक्ट करके आपको दिखाता हूँ। नाउ से यहाँ पर देखिए हमें लॉग ऑफ 1 प्लस टेन एक्स मिल गया, ये वाला वैल्यू लॉग ऑफ 1 माइनस टेन एक्स मिल गया हमें, इस तरह से मिल गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेट से दिस इज द वन इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। वन इक्वेशन क्या गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन दैट इज 1 प्लस टेन एक्स, इसमें से माइनस क्या करना है, लॉग ऑफ 1 माइनस टेन एक्स, राइट है। ये हमें मिल गया तो लेट से दिस इज द माई फाइनल आंसर। अगर हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही हमें क्या करना था, इसी का एक्सपेंशन हमें फाइंड करना था। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर x माइनस ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पर क्या x है, यहाँ पर माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, दैट इज ए प्लस 2x। सिमिलरली यहाँ पर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा, दैट इज ये क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स प्लस हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा दैट इज 0। सिमिलरली यहाँ पर देखिए क्या है, 2/3 यहाँ पर अगर हम माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 2/3 इंटू एक्स क्यू। सिमिलरली राइट
राइट है, आई होप कि आपको ये समझ में आया। नाउ सिमिलरली क्या है यहाँ पर देखिएगा, माइनस क्या आपका 7/12 इंटू एक्स रेस टू फोर, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका 7/12 इंटू एक्स रेस टू फोर। सिमिलरली यहाँ पर देखिए क्या प्लस 2/3, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस 2/3 इंटू एक्स रेस टू फाइव। माइनस क्या करना है लॉग 10x, तो माइनस यहाँ पर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2/3 इंटू एक्स रेस टू फाइव। तो ना हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके जो भी वैल्यू मिलेगा वही हमारा क्या रहेगा फाइनल आंसर रहेगा, दैट इज लॉग ऑफ 1 प्लस 10x माइनस क्या है यहाँ पर लॉग ऑफ 1 माइनस 10x। इसका वैल्यू हमें देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, दैट इज 2x, 2x यहाँ पर क्या होगा 2 2 4, दैट इज ए प्लस 4/3 इंटू एक्स क्यू, यहाँ पर देखिए माइनस 7/12 प्लस 7/12 विल गेट कैंसल, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा हमें प्लस 2 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 मिल जाएगा, दैट इज 4/3 इंटू एक्स रेस टू फाइव। यही क्या हमें इस तरह से ये आपका फंक्शन एक्सपांसन होता रहेगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, आया होगा। यही हमें क्या करना था, एक्सपांसन करना था, इसी यही क्या है हमारा फाइनल आंसर है, जो कि हमें इसका एक्सपांसन करना था। कौन सा क्वेश्चन क्या गिवन था हमें, क्वेश्चन गिवन था लॉग ऑफ 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स, राइट है। लॉग ऑफ 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स हम लोग ने इसे इस तरह से सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके ये हमें फाइनल आंसर मिलेगा, दैट इज 2x प्लस 4/3 इंटू एक्स क्यू प्लस 4/3 इंटू एक्स रेस टू फाइव प्लस एन सो वन, दिस इज अ फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। ना हम लोग और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या गिवन है, एक्सपांड द फॉलोइंग फंक्शन, क्या गिवन है। सबसे पहला क्वेश्चन 1 प्लस एक्स रेस टू एक्स, एंड सेकेंड क्वेश्चन गिवन है एक्स इंटू कोसेक एक्स अप टू एक्स रेस टू फोर टर्म्स। मतलब आपको एक्सपांसन करना है सम सेम क्वेश्चन, जैसे हम लोग ने क्वेश्चन 1 2 किया, सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्या है, यहाँ पर आपको फंक्शन का एक्सपांसन करना है अप टू एक्स रेस टू फोर टर्म्स तक। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या गिवन है हमें, फंक्शन गिवन है 1 प्लस एक्स रेस टू एक्स। तो सबसे पहले हम लोग लेट अज्यूम करते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस एक्स रेस टू एक्स। ना हमें पता है, हम लोग ने अभी देखा था इसका फंक्शन, इस तरह का कोई भी फंक्शन का एक्सपांशन का फॉर्मूला हमें मालूम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे हम लोग ने अभी इसके पहले क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई किया था, सेम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग लेंगे, क्यों लॉग लेंगे, क्योंकि हमें पता है इस तरह का फंक्शन हमें अगर पता है, अगर हमें कोई फंक्शन का एक्सपांशन करना नहीं आता है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे लॉग यहाँ पर लेंगे। तो लॉग लेंगे तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर लॉग अगर आप लोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, दैट इज एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। ये क्या हमें प्रॉपर्टीज पता है, लॉग ऑफ एक्स रेस टू एक्स, एक्स रेस लॉग ऑफ एक्स रेस टू एक्स क्या होता है, दैट इज एक्स इंटू लॉग एक्स। तो सिमिलरली क्या है 1 प्लस एक्स रेस टू एक्स है, तो एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। एक बार आपको ये समझ में आ गया तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट इज लॉग ऑफ वाई। अब ना हमें मालूम है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का हमें एक्सपांशन पता है, जो कि हम लोग इसके पहले भी किए, क्वेश्चन नंबर 1 2 में भी किए थे, सेम यहाँ पर क्या करना है आपको लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का आपको एक्सपांशन करना है। तो इसके लिए हमें वैल्यू क्या पता है, हमें इसका क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस क्या होता है यहाँ पर प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस क्या होता है आपका एक्स रेस टू 4 अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से क्या रहता है आपका ये फंक्शन रिपीट होता है, जैसे कि हमें पता है। नाउ ये क्या एक्स हम लोग क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स रेस टू 5 डिवाइडेड बाई 4। इस तरह से क्या होगा आपका फंक्शन रिपीट होता रहेगा। सिंपली हम लोग क्या किया एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया। तब नाउ यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल गया लॉग वाई का वैल्यू हमें मिल गया, ये इस तरह का फंक्शन मिल गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे यहाँ से वाई का वैल्यू लेंगे, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा लॉग का टर्म्स उस साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ई रेस टू पावर, ई रेस टू पावर क्या हो जाएगा ये होल जो भी वेरिएबल आपको गिवन है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू अपॉन 2 प्लस एक्स रेस टू 4 अपॉन 3 माइनस एक्स रेस टू 5, ये क्या होगा रेस टू पावर होगा। तो रेस टू पावर को हम लोग अज्यूम करते हैं लेट से जेड, राइट है, जेड हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये करने से हमें सिंप्लीफाई मिल जाएगा, जो कि जेड क्या होता है आपका, जेड क्या होता है, जेड आपका ये वाला फंक्शन होता है, दैट इज क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू अपॉन 2 प्लस क्या होता है एक्स रेस टू 4 अपॉन 3 माइनस क्या होता है आपका एक्स रेस टू 5 अपॉन 4। इस तरह से ये फंक्शन होता है जेड। तो हमें क्या मिलेगा ई रेस टू जेड। अब ई रेस टू जेड के लिए हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है ई रेस टू जेड के लिए फॉर्मूला, दैट इज वाई इज इक्वल ई रेस टू जेड। क्या होता है ई रेस टू जेड का फॉर्मूला, दैट इज 1 प्लस क्या होता है जेड प्लस क्या होता है आपका जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल
प्लस क्या होता है आपका जेड क्यू डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोर। इस तरह से आपका ये ई रेस टू जेड का फॉर्मूला जो कि हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में एक्सपेंशन किया था, तो जो कि ई रेस टू जेड हमें ये है राइट है। और जेड का वैल्यू क्या गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे जेड का वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जेड का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1 प्लस जेड क्या है हमें मालूम ये, तो हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू अपॉन टू प्लस क्या गिवन है एक्स रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस क्या गिवन है एक्स रेस टू 5 डिवाइडेड बाई 4। एक्स रेस टू 5 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें एक्स रेस टू 4 तक 4 टर्म्स तक ही हमें एक्सपांसन करना है, फिर भी लिख दिए तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, लिख सकते हैं बट यहाँ पर हमें इसे इग्नोर करके चलना है राइट है। हम लोग क्या करेंगे आगे इसे इग्नोर कर देंगे। नाउ सिमिलरली क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ से 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 2 इंटू 1 दैट इज 2 हो जाएगा। और जेड स्क्वायर, जेड क्या है हमें ये मालूम है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 2, याद रखना हम लोग इसे इग्नोर कर देंगे, इसे इग्नोर करके चलेंगे। ये इस तरह से आपका ये फंक्शन क्या होगा रिपीट होता रहेगा। क्यों इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ए स्क्वायर हमें पता है, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ तक आपका हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा था सेम यहाँ तक ही हम लोग यूज़ करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर देखिएगा ध्यान से 1 अपॉन क्या हमें 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 क्या होगा लेट्स से 6, तो यहाँ पर हम लोग 3 इंटू 2 लिख देंगे। और हमें एक्सपांसन जेड क्यू का करना है, तो जेड क्यू क्या हो जाएगा, जेड क्यू क्या है आपका ये फंक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू अपॉन 2, इस तरह से ये फंक्शन आपका रिपीट होगा, इसी का स्क्वायर क्यूब कर देंगे राइट है। यहाँ तक समझ में आया, बट एक बात और याद रखना कि हम लोग यहाँ तक कर दिए, अभी एक बात देखना यहाँ पर क्या हमें गिवन है, एक्चुअल में हमें गिवन क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का अगर आप क्यूब करोगे, एक्स स्क्वायर का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स रेस टू 6 राइट है। एक्स रेस टू क्या मिलेगा 6 मिलेगा, बट हमें क्या करना है अप टू एक्स रेस टू 4 तक ही एक्सपांसन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर इसे हम लोग ने लिख जरूर लिया है, हम लोग ने इसे लिख लिया जरूर, बट इसको हम लोग इग्नोर करेंगे लास्ट में, हम लोग क्या करेंगे इसे इग्नोर करके चलेंगे क्योंकि हमें एक्सपांसन एक्स रेस टू 4 टर्म्स तक ही करना है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, इस तरह से क्या हो जाएगा आपका ये फंक्शन इस तरह से रिपीट होता रहेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 2 प्लस क्या है आपका एक्स रेस टू 4 अपॉन 3 माइनस क्या है एक्स रेस टू 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस एन सो ऑन। इस टर्म्स को ध्यान से देखिएगा, इसे हम लोग किस तरह से करेंगे, इसे हम लोग करेंगे ए माइनस बी द होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स रेस टू 4 माइनस क्या होगा 2 इंटू ए इंटू बी, याद रखना 2 इंटू ए इंटू बी, बट हमें क्या करना है एक्स रेस टू 4 तक ही एज्यूम करके चलना है। तो हम लोग इसे इग्नोर करेंगे, इसे 0 एज्यूम कर लेंगे राइट है। आई होप कि आपको ये समझ में आया, क्योंकि अगर आप करोगे तो एक्स रेस टू 5 आएगा जैसे कि हम लोग ने इसके पहले भी किया था। सिमिलरली यहाँ पर देखिए क्या है 1 अपॉन 6 इंटू अगर इसका पर आप क्यूब करोगे तो एक्स रेस टू एक्स स्क्वायर का क्यूब क्या होगा एक्स रेस टू 6, हम लोग इग्नोर करेंगे और इसे 0 करके एंड सो ऑन कर देंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हम लोग इसे सिंपलीफाई करेंगे, जो भी सिंपलीफाई करेंगे वही क्या रहेगा हमारा फाइनल एक्सपांशन। तो यहां से हमें देखिए क्या मिल जाएगा दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एक्स क्यू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, यहां पर देखिए क्या है यहां पर एक्स रेस टू 4 बाय 3, हमें एक्स रेस टू 4 तक ही जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर एक्स रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 3, यहां पर क्या है हमें 1 अपॉन 2 इंटू एक्स रेस टू 4 राइट है। एक्स रेस टू 5 का टर्म्स को हम लोग नहीं लिखेंगे, अगर आप चाहे तो लिख भी सकते हो, बट याद रखना अगर आप इस एक्स रेस टू 5 का टर्म्स लिख रहे हो तो यहाँ पर भी जो एक्स रेस टू 5 आएगा वो भी लिखना पड़ेगा ठीक है। तो हम लोग इसे क्या करते हैं इग्नोर करते हैं एंड इसे एन सो ऑन लिख देते हैं। यहाँ पर अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए क्या मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 2 विल गेट कैंसल, तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 6। एक्चुअली में यहाँ पर क्या है ये एक्स रेस टू 4 द होल स्क्वायर, एक्स रेस टू 4 है राइट है, यहाँ पर क्या है एक्स रेस टू 4 है, तो यहाँ पर अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 2 प्लस 3 दैट इज़ क्या हो जाएगा आपका 5 राइट है, 5 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5 एक्स रेस टू 4 बाय 6 माइनस एंड सो ऑन। इस तरह से क्या मिल जाएगा आपको एक्सपांशन ऑफ फंक्शन ऑफ वाई, अरे वाई फंक्शन क्या आपका 1 प्लस एक्स रेस टू एक्स। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा क्या मिला हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू अपॉन 2 प्लस 5 बाई 6 इंटू एक्स रेस टू 4। आई होप कि आपको एक्सपांशन समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 3 का 1 जो कि हम लोग ने क्या किया सिंपली क्या कि यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हो टेक लॉग ऑन
बोथ साइड लॉग लोगे आप, लॉग लेकर आपको क्या करना है सिंप्लीफाई करोगे, तो लॉग लेकर अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये होगा। इसके लिए हमें फंक्शन एक्सपेंशन पता है क्या होता है, ये वाला वैल्यू होता है लॉग ऑफ वन प्लस एक्स, क्या होता है ये होता है ना, एक्स अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वाई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रेस टू जेड। ई रेस टू जेड का फंक्शन एक्सपेंशन क्या होता है, दैट इज़ ये वन प्लस जेड स्क्वायर अपॉन टू, जो भी जेड का वैल्यू था हम लोग ने यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया और फाइनल आंसर निकाल के लाए, राइट है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर वन समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन नंबर टू आपको सेम है, आपको खुद से सॉल्व करना है फॉर योर होमवर्क, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, और कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, हिंट में क्या आपको रहेगा, हिंट के लिए देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर x इंटू कोसेक एक्स है, राइट है, x इंटू क्या है कोसेक एक्स है, तो हम लोगों को कोसेक एक्स का कोई एक्सपांसन पता नहीं है, राइट है, कोसेक एक्स के लिए एक्सपांसन नहीं पता है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज़ x अपॉन साइन एक्स कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें साइन एक्स का एक्सपांसन पता है, क्या होता है साइन एक्स का एक्सपांसन, दैट इज एक्स माइनस एक्स की अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल, ये हमें एक्सपांसन पता है, तो हम लोग इसे एक्स अपॉन साइन एक्स के टर्म्स में लाएंगे एंड साइन एक्स की जगह पे एक्सपांसन जो भी हमें पता है यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे एंड इसे इसे क्या करेंगे, लास्ट में जो हमें टर्म्स मिलेगा, दैट इज हमें कौन सा टर्म्स मिलेगा, दैट इज वन वन माइनस एक्स के टर्म्स में हम लोग इसे इस तरह से लेकर आएंगे और इस तरह से लेकर आके फाइनल आंसर हम लोग निकालेंगे। इसका क्या करना रहेगा, आपको लास्ट में इसका एक्सपांसन करना रहेगा, इसका वन माइनस एक्स रेस टू माइनस वन का, आपको कैसे करना है आपको खुद से ट्राई कीजिएगा और कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप कि आपको हिंट समझ में आया, वन अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का जो भी आपको एक्सपांसन पता है यहाँ पर सब्सटीट्यूट कीजिएगा एंड आपको लास्ट में वन माइनस एक्स रेस टू माइनस वन का एक्सपांसन कीजिएगा एंड सिंप्लीफाई कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर थ्री भी समझ में आया होगा, हम लोग ने जितना भी क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री किया है एनफ है फॉर द मैकलॉरिन सीरीज। नाउ हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, टेलर सीरीज अब एक्सपेंशन करेंगे एंड देन यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।